नमस्कार दोस्तों, आज अपन ये जानेंगे कि अपने खेत की जमीन की अपन अपना खाता रिपोर्ट कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने को अपना खाता गूगल में टाइप करना है। सर्च करेंगे अपना खाता। अपना खाता सर्च करने के बाद में सबसे पहली वेबसाइट आएगी अपना खाता raj.nic.in पर। आप इस पर क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नीचे एक वेबसाइट है अपना खाता टैली लाइव करके, है ना। आप इस पर भी क्लिक करके पूरी जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं। तो अपन बात करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये विंडो खुलता है। ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है अपना खाता की। तो दोस्तों, अपना खाता प्राप्त करने के लिए ये मैप दे रखा है, यहाँ पे नक्शा दे रखा है। नक्शा में आपका राज्य है, ये अपना राजस्थान, इसका नक्शा है। अपने को सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है इस नक्शे में कि अपना ज़िला कौन सा है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे सीकर ज़िला सेलेक्ट करते हैं ना। सीकर ज़िला सेलेक्ट किया अपने, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सीकर ज़िले का मैप खुलेगा। ये सीकर ज़िले का मैप है। अब आप सीकर ज़िला में बोल रहा है कि इसमें आपका कौन सा तहसील कौन सा है, इसमें कौन सा अपना तहसील है। जैसे इसमें कोई सा भी आपका तहसील चुने, जैसे दातारामगढ़ चुनते हैं अपन, है ना। दातारामगढ़ को चुन लिया। अब ये चुनने के बाद में नया मैप खुलेगा। अब इसमें अपने को अपना गांव, पटवार, मंडल, भू अभियंत्रिकी नियुक्ति वृत्त, ये अपने को देखना है कि अपना गांव कौन सा है। तो अपन इसमें अपना गांव ढूंढते हैं, कोई सा भी गांव ढूंढ लो अपना। जैसे अपन चैनपुरा कुली ढूंढते हैं। ये विंडो खुल गई है अब अपने सामने। ये सबसे पहले प्रोसेस यही रहेगा, चाहे आपका जिला कोई सा भी हो, तहसील कोई भी हो, प्रोसेस एक ही रहेगा इसका। तो दोस्तों, अब आप खाता से, खसरा से या नाम से, खाता नंबर आपके पास हो तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं और उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन आप इन तीनों को ही काम में न लीजिए। खाता भी मत लीजिए, खसरा भी मत लीजिए और नाम से भी मत लीजिए। आपको सिलेक्ट करना है समस्त खाते। इसमें समस्त खाते आ जाएंगे, ये देखो अपने इधर। अब आपको इधर ये है, इससे ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, देख रहे हैं। इसको पकड़ के और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अपना इसमें अपने को नाम सेलेक्ट करना है, कोई भी नाम दे लो इसमें, कोई भी एक्स वाई जेड। जैसे प्राथमिक शाला चैनपुरा, इसका अपन, या ये देख लीजिए राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला गुजरियानाडा, इस पर अपन क्लिक करते हैं। इसका नक्शा निकालते हैं, आज अपना खाता की रिपोर्ट इसकी निकालते हैं। अब ये सिलेक्ट किया, अब देखो इधर भी आया, ये आ गया इधर। अब अपन नीचे है नकल प्राप्त करें, नकल प्राप्त करें पर अपन क्लिक करेंगे। नकल प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद में नकल खुल जाएगी। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रहे, नकल नहीं खुलती है तो आपका इधर एक पॉपअप विंडो आएगा, यहाँ पे लाल निशान लगा हुआ आएगा, उस पर आपको ऑलवेज अलाउ पॉपअप पे क्लिक करोगे, फिर आपके ये खुल जाएगी। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप जमानंदी की रिपोर्ट खुल गई है। और इसमें आपको दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए ही है, इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। और ये जारी करने की तिथि है, या आज की तिथि आएगी ऊपर, और ये जिस दिन आपका ये डाला जाए ना। तो दोस्तों, ये है इसमें आप जो भी आपको देखना हो। अब आप प्रिंट कैसे लें, बहुत लोगों के सामने प्रिंट की भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, प्रिंट लेने के लिए देखो ऊपर जाएंगे अपन, यहाँ पे प्रिंटर का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, और प्रिंटर का अपन ऑप्शन में लेते ही यहाँ पे नई विंडो खुलेगी। नई विंडो खुलने के बाद में अपने को यहाँ पे शीट और उसका साइज चुनना है। प्रिंटर चुन लिया, जैसे अपन ने प्रिंटर लगा लिया, जैसे अपन ने HP लेजर Z1020 प्रिंटर लगा लिया, और उसमें सारे पेज देने हैं,
एक कॉपी देनी है और इसको अपन A4 कर लेते हैं, और दोस्तों इसको अपन प्रिंट का बटन दबा देंगे तो आपका प्रिंट बाहर आ जाएगा। नहीं आता है तो प्रिंटर का कनेक्शन ज़रूर चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप गूगल में सर्च करें अपना खाता सिलेक्ट किया, और अपना खाता सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे टैली लाइफ के नाम से एक वेबसाइट खुलेगी। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और यहाँ पे कुछ इस पर क्लिक करें आप। इस पर क्लिक करने के बाद में जो मेन वेबसाइट है अपना खाता की, उससे रिकमेंड मिलेगा अपने को। यहाँ पे ये वेबसाइट खुली है, इस वेबसाइट पे आप हिंदी में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप जैसे इन लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख रखा है वैसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे प्रिंट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे लें, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, दैट्स ओके। क्या अब इसका जो वेबसाइट का मालिक है या जो भी है वो इसको रिप्लाई करेगा तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जो आपकी ईमेल में भी आएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।